जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि व्यक्ति की शादी होने के बाद अचानक से उसका भाग्य चमक जाता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। दोस्तों उसकी नौकरी लग जाती है या वह आर्थिक रूप से सक्षम हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसके घर में धन के भंडार बढ़ने लगते हैं और सुख सुविधाओं की उसे कभी भी कोई कमी नहीं होती। ये होता है उसकी पत्नी के कारण। ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी भाग्यशाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भाग्यशाली महिला की पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि वह महिला भाग्यशाली है और वह शादी के बाद अपने ससुराल में धन धान्य से भरपूर माहौल हो जाएगा और उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कभी भी सौभाग्य की कमी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं डीआरएक्स संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों विष्णु पुराण, गरुण पुराण, भृगु संहिता और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं में ऐसे कई लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली हैं और वे अपनी ससुराल के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास और ससुर के लिए लक्की साबित होंगी। जिस घर में उन महिलाओं का विवाह होगा वह धन धान्य से भरपूर रहेगा, सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। दोस्तों कौन सी है वे पहचान, किस प्रकार से आप पहचाने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शादी के बाद कभी भी उसके घर में धन धान्य की कमी ना हो और शादी के बाद उसका भाग्य प्रबल हो जाए, वह जिस कार्य में भी हाथ डाले उस कार्य में सफलता प्राप्त करे और उसका कभी भी धन धान्य से मोह भंग ना हो, हमेशा धन धान्य उसके पास स्वतः ही चलकर आए, वह जिस कार्य में मेहनत करे उस कार्य में वह सफलता अवश्य प्राप्त करे। तो ऐसी चार पहचानें सामुद्रिक शास्त्र, गरुण पुराण और विष्णु पुराण में बताई गई हैं, जिन्हें हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर एक, गर्दन। दोस्तों भाग्यशाली महिलाओं की गर्दन 4 अंगुल लंबी और उस पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं। किसी भी महिला या किसी भी लड़की की गर्दन 4 अंगुल लंबी और उसकी गर्दन पर 3 रेखाएं दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वह भाग्यशाली महिला है और शादी के बाद उस महिला की ससुराल धन धान्य से भरपूर रहेगी। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में काफ़ी मेहनती होती हैं और धनी होती हैं, उनके पास धन स्वतः ही चलकर आता है चाहे वह किसी भी रूप में आए। इसके अतिरिक्त ससुराल और मायके में उसका सम्मान भी काफ़ी होता है, ये काफ़ी सम्माननीय महिलाएँ बनती हैं। नंबर दो, दांत। दोस्तों अगर किसी महिला के, किसी लड़की के दांत सुंदर हैं, चमकीले हैं, सफ़ेद हैं और आगे की ओर निकले हुए हैं तो ऐसी महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, सदैव ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाएं रहती हैं और साथ ही उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उनकी और उनके पति के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और उनके कारण उनके पति की आय अच्छी होने लगती है और उनके पति की किस्मत चमकने लगती है। नंबर तीन, पैर। दोस्तों अगर किसी लड़की अथवा किसी महिला के पैर में कोई त्रिकोण है, कोई ऐसी आकृति है जो त्रिकोण के आकार की है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी ससुराल के लिए बहुत ज़्यादा लक्की होती हैं और ऐसी महिलाओं पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएँ कैसी भी स्थिति हो, चाहे वह स्थिति अच्छी हो अथवा वह स्थिति बुरी हो, ऐसी महिलाएँ अपने पति का साथ देने वाली होती हैं। ये अपने पति का हाथ कभी नहीं छोड़ती, सदैव हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहती हैं, इसलिए ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली माना जाता है। नंबर चार, नाभि। बहुत ही सौभाग्यशाली क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र पर अगर कोई तिल हो अथवा कोई चिन्ह मौजूद हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं को अकूत सुख सुविधा मिलती है, अकूत धन संपत्ति मिलती है। ऐसी महिलाएं धन संचय करने में माहिर होती हैं, इसलिए इनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता है। ये बहुत ही मेहनती होती हैं और संवेदनशील होती हैं। ये अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली होती हैं और ऐसी महिलाएं अपने पति को, अपने पति के भाग्य को चमकाने वाली होती हैं। किसी भी पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है तो उसके भाग्य में अचानक से बढ़ोतरी होती है और उसका भाग्य प्रबल होने लगता है, उसका भाग्य चमकने लगता है। दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये 4 ऐसे निशान हैं जो कि आपको बताते हैं कि महिलाएं भाग्यशाली हैं और ऐसा होने पर आप ऐसी महिलाओं को देखकर उनसे अगर विवाह करते हैं तो आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।